हेलो दोस्तों, अगर आपके DSLR में आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो उसके बावजूद भी आपको क्लीन एंड क्लियर ऑडियो नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ DSLR की सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप क्लीन एंड क्लियर ऑडियो विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, DSLR में आपको क्या सेटिंग्स करनी है। अगर आप निकॉन का DSLR यूज़ कर रहे हो तो आपको मूवी सेटिंग्स में जाना है। यह है निकॉन का D5300 DSLR। इसमें मूवी सेटिंग्स में जैसे आप जाओगे तो आपको माइक्रोफोन से रिलेटेड सिर्फ दो ऑप्शन है, एक है माइक्रोफोन, दूसरा है विंड नॉइस रिडक्शन। विंड नॉइस रिडक्शन आपको कब काम आता है? जब आप अपने DSLR का इंटरनल माइक यूज़ कर रहे हो। जब इसे आप ऑन करते हो दोस्तों, तो जब भी माइक पे कोई तेज़ हवा चल रही है आउटडोर में या इंटरनल रूम में, अगर आपका फ़ैन चालू है तो जब हवा टकराती है तो एक नॉइस क्रिएट होता है जो विंड नॉइस रिडक्शन ऑन करने पर वो काफ़ी हद तक उसे रिड्यूस कर देता है और वो वॉइस कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने माइक का जो है ये जो एक्सटर्नल माइक जैक आप अपने कैमरे में इंसर्ट करते हो तो ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाता है। देख रहे हो आप, देखिए ये डिसेबल हो गया, मतलब ये जो फीचर है कैमरे का ये एक्सटर्नल माइक के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ इंटरनल माइक पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं माइक्रोफोन में। अब माइक्रोफोन में आप देख रहे हो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक है ऑटो सेंसिटिविटी, एक है मैनुअल सेंसिटिविटी और एक है माइक्रोफोन ऑफ। अगर आपको माइक्रोफोन यूज़ नहीं करना है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों ऑटो सेंसिटिविटी आप अवॉइड कीजिए यूज़ करना, बिकॉज ऑटो सेंसिटिविटी क्या करता है, किसी भी टाइप की आवाज़ आती है तो DSLR जो है आपका उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है और इसी कैप्चर करने की कोशिश में जो है बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत सारा रिकॉर्ड हो जाता है और आपका ऑडियो क्लीन एंड क्लियर नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ अवॉइड करना है तो आप मैनुअल सेंसिटिविटी में जाइए। वहाँ पे एक स्टैंडर्ड नंबर है, मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं, जो है 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें अपना वोकल जो है क्लियर आता है और बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत मिनिमल आता है। लेकिन अगर आप अपने रूम में कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ चल रहा है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल ले लीजिए सीलिंग फ़ैन, ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे रूम में भी मेरा सीलिंग फ़ैन ऑन है, तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ मैनुअल सेंसिटिविटी 12 सेट करके, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना वोकल क्लियर है और कितना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। ये देखिए मैं लाइव बॉक्स में लाइव व्यू में गया, यहाँ पे सेंसिटिविटी 12 है और मैंने रिकॉर्ड किया। अब ये जो आवाज़ सुन रहे हो आप ये 12 की सेंसिटिविटी पे है। मेरा जो बोया का जो माइक है, ठीक है, ये 1 फीट की दूरी पर रखा हुआ है मेरे मुंह से और आप जज कर सकते हो कि आपको साउंड कैसा मिल रहा है और बैकग्राउंड नॉइज़ कितना आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ये भी जो है मैं फ़ैन अगर मेरा ऑफ कर दूँ तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखिए मैं आपको फ़ैन ऑफ करके बताता हूँ, ठीक है, तो मेरा फ़ैन जो है अभी ऑफ़ हो गया है तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी हद तक बैकग्राउंड नॉइज़ निकल गया है, ठीक है, और आप देख सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहकर बताता हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज़ कितना आ रहा है। देखा आपने, फ़ैन ऑफ़ करने से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन ये जो साउंड क्वालिटी है ये भी उतनी क्लियर नहीं है बिकॉज़ अपने सेंसिटिविटी इसकी 12 पर रखी है। ये निकॉन के DSLRs में, हर कैमरे का जैसे मैंने कहा अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, तो हमें अगर और भी क्लियर ऑडियो चाहिए तो हम इसे टेस्ट करेंगे थोड़ी सेंसिटिविटी कम करके। तो अभी मैं फिर से मैनुअल सेटिंग्स में जाऊँगा, वहाँ पर मैं सेंसिटिविटी सिर्फ 2 पॉइंट से कम करूँगा, ठीक है। ज़्यादा कम कर दोगे तो वो जो आपका वोकल भी है थोड़ा लो कैप्चर करेगा, तो मेरा प्रेफर नंबर है 10। इस पर अगर मैं रखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा ऑडियो मिलता है, तो मैं आपको 10 पर भी एक सैम्पल लेके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे गए, अभी यहाँ पर जो है हमारा मैनुअल सेंसिटिविटी 10 दिखा रहा है, मैं इसमें आपको एक ऑडियो सैम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। तो अब जो आप ये वॉइस क्वालिटी देख रहे हो इसमें 10 की सेंसिटिविटी पे है, फैंस ऑफ है, बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वोकल आ रहा है और बाकी कंप्लीट साइलेंस है। तो ये निकॉन के DSLRs में अक्सर 10 पर अगर आप रखोगे तो आपको क्लीन एंड क्लियर जो है ऑडियो मिल जाएगा। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपके DSLR में भी आप 10 रखोगे तो क्लियर आएगा। आप जो है अपने हिसाब से सेंसिटिविटी एडजस्ट कीजिए और माइक का जो लोकेशन है, जैसे अगर आप कॉलर पे लगा रहे हो तो कॉलर पे लगा के ही टेस्ट कीजिए, तभी आपको अंदाज़ा आएगा कि आपका प्रेफर्ड मेथड क्या है और कितनी सेंसिटिविटी सेट करने पर आपको क्लीन एंड क्लियर ऑडियो मिलता है।
और अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप अपने रूम में शूटिंग कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपने फैंस जो है वो बंद कर दीजिए। एसी का भी अगर फैन का आवाज़ आ रहा है, ब्लोअर ज़्यादा फास्ट है तो उसे भी थोड़ा स्लो कर दीजिए, क्योंकि माइक जो है एक्सटर्नल माइक पावरफुल होता है और वो काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह जो है आपको अपना ऑडियो सेट करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। एन्जॉय फोटोग्राफी।